सो वेलकम टू पेश वर्मा चैनल। यहाँ दोस्तों मैं आ गया एक और वीडियो के साथ। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिफरेंस। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। तो आपके पास एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, एंगल सी दिया हुआ है, एंड ए प्लस बी भी दिया हुआ है, बी प्लस सी भी दिया हुआ है, एंड ए प्लस बी प्लस सी भी दिया हुआ है, और आपका वेट भी इसमें दिया हुआ है। और आपको फाइंड करना, फाइंड द एमपीवी ऑफ ईच एंगल। एमपीवी मींस होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो देखते हैं, आपको आराम से समझना है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। सो आप आराम से देखिए, देखिए इसमें फाइंड करना है, सभी एंगल में कुछ ना कुछ एरर है, वो फाइंड करना है। देखिए हमने अज्यूम किया हूँ एंगल ए में के वन एरर है, एंगल बी में के टू एरर है, एंगल सी में के थ्री एरर है। तो देखिए 75 डिग्री 32 मिनट 46.3 सेकेंड प्लस के वन एरर, एंड इसमें हम लोग लिए हैं अज्यूम के टू और इसमें के थ्री। तो देखिए ए प्लस बी है तो इसमें हो जाएगा के वन प्लस के टू, और बी प्लस सी है तो इसमें हो जाएगा के टू प्लस के थ्री, और इसमें हो जाएगा के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। लेकिन दोस्तों जो आपको इसमें एंगल ए भी दिया हुआ है, इसको मैं ऐड करके लिखना है। एंगल ए प्लस बी इसमें ऐड किए हैं तो हम लोग आ गया 130 डिग्री 42 मिनट 39.5 सेकंड। जी दोस्तों, तो आपके पास ये आ गया, और इसमें उसके बाद लिखना है के वन प्लस के टू। लेकिन देखिए इसमें और इसमें कुछ अंतर रहेगा, वही आप में आपका हो गया एरर। तो मैं आगे आपको इसके बारे में दिखाता हूँ, अब देखिएगा पूरा। और अब देखिए बी प्लस सी, तो हम लोग अब इसको स्क्वेयर करना है 55 डिग्री 9 मिनट 53.2 सेकंड प्लस 108 डिग्री 9 मिनट 28.8 सेकंड को प्लस किए तो आ गया 163 डिग्री 19 मिनट 22 सेकंड प्लस के टू प्लस के थ्री। ऐसा ही हम लोग किए ए प्लस बी प्लस सी, तो आ गया इतना 238 डिग्री 52 मिनट 8.3 सेकंड प्लस के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। हो गया ये। और आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो अभी लिखिए कमेंट में, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए अब इसको मान लेना है इक्वेशन वन, इसको पूरा को मान लेना है इक्वेशन वन, और इसको मान लेना है इक्वेशन टू। देन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फ्रॉम इक्वेशन टू वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के वन के टू के थ्री एंड के वन प्लस के टू। ऑल वैल्यू वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। इसको और इस इक्वेशन में कंपेयर करना है आपको, बस यही कंपेयर करना है। देखिए तो यहाँ पे है के वन, यहाँ पे ये सेम है तो हो जाएगा जीरो, के टू जीरो, के थ्री जीरो, के वन जीरो, के टू जीरो और के थ्री जीरो हो गया। अब आपको फाइंड करना है के वन प्लस के टू, इसमें आपका वैल्यू आएगा। देखिए ए प्लस भी दिया हुआ यहाँ पे 130 डिग्री 42 मिनट 41.6 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे आया मेरा 130 डिग्री 42 मिनट 39.5 सेकेंड आया, तो इसमें है कुछ ना कुछ एरर। तो इसको इसमें से इसमें आपको कंपेयर करना है, यानी सबट्रैक्ट करना है, तो आपका आ गया 2.1 सेकेंड। ऐसा ही करना है आपको इसमें से और इसमें से, तो आपका आएगा 0.5 सेकेंड। देखिए यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22.5 है, तो आया 0.5 सेकेंड। और करना आपको इसमें से और इसमें से, देखिए यहाँ पे 9.8 है, इसमें 8.3 है, तो आपका आएगा 1.5, तो आ गया आपका एरर 1.5 सेकेंड। और आपका वेट दिया हुआ है 211। तो देखिए, और आपको अब नॉर्मल इक्वेशन निकालना है के वन का, के टू का और के थ्री का। तो देखिए ये कैसे फाइंड होता है, जहां जहां पे आपका के वन है उसमें निकालिए, यहाँ पे देखिए के वन है जीरो, लेकिन देखिए ये आपका वेट मल्टीप्लाई होगा, यानी आपका 3 K1 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे है के वन आपका, तो हो जाएगा 2 K1 प्लस 2 K2 इज इक्वल टू 4.2 सेकेंड। देखिए हो गया, और वेट यहाँ पे के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इज इक्वल टू 1.5, आपका आ गया के वन। ऐसा ही करना आपको के टू में, ऐसा ही करना आपका के थ्री में। देखिए आपका होगा इसमें ये के टू, ये के टू और ये के टू, तो आपका वैल्यू आ गया इसका के टू का और के थ्री का। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आपका आ जाएगा के वन के टू और के थ्री का वैल्यू, तो आपका आया है के वन का वैल्यू आया 0.57 सेकेंड, एंड के टू का आया वैल्यू 0.75 सेकेंड, और इस देखिए इसमें के थ्री का वैल्यू आगे आपका आया माइनस में -0.02 सेकेंड। आपको ये ध्यान देने वाला। जी दोस्तों, तो देखते हैं अब क्या करना है आपको। जो एंगल ए बी सी इसमें दिया होता, हम लोग जो अज्यूम किए थे के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, इसमें आपका जो भी वैल्यू आया है इसको जो देखिए इसमें ये आपका वैल्यू प्लस में आया तो इसको ऐड करना, यदि आपका वैल्यू माइनस में आया तो सबट्रैक्ट करना। देखिए इसमें मैंने वही किया हूं 75 डिग्री 32 मिनट 46.3 सेकेंड प्लस 0.57 सेकेंड, देन आपका आ गया इसमें इसमें भी प्लस, इसमें जो माइनस आया तो माइनस करना है, तो आपका ये आंसर आ गया। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई तरह का दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। सो थैंक यू सो मच, कीप सेइंग माय वीडियो एंड कीप लविंग। धन्यवाद।